हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की सरकार रीडिंग को। सो आज की इस रीडिंग में चेक करने वाली हूँ मैं कल रात की क्या कुछ एनर्जीज थी आपके पर्सन की। कल रात आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ उनके मन में चल रहा था, क्या कुछ जो है वो फील कर पा रहे थे आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर, एंड जो कुछ भी फील कर पा रहे थे चेक करने की कोशिश करूंगी आज की सरकार रीडिंग में। सो गाइस ये जनरल बेसिस पे रहेगा, प्रेडिक्शन ज्यादा तरीके से ये देखेगा, और पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज कॉल मत किया कीजिए, मैसेज किया कीजिए अगर आपको पर्सनल प्रेडिक्शन लेना है, विच इज पेड नॉट फ्री। सो अब मैं चेक कर लेती हूँ, टाइमलेस है ये रीडिंग, आपको जब भी रीडिंग मिलती है आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। कोई भी रिलेशन है अपने पर्सन के साथ में आपका, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो स्टार्ट कर लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कल रात क्या कुछ फील कर रहे थे आपके पार्टनर आपके लिए। सो स्टार्ट करती हूँ उनकी कल रात की फीलिंग्स आपके लिए, क्या कुछ महसूस करा उन्होंने, क्या कुछ फील किया। ओके तो देखती हूँ कल रात की फीलिंग्स को। ओके सो सेवन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में पूरा ध्यान रहा है कल रात इनका, जहां तक मुझे एनर्जी मिल रही है। सबसे पहले एनर्जी जो आई है मेरे पास में वो सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि पूरा का पूरा ध्यान इन पर्सन का जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर वो पास्ट की तरफ था, यानी कि अपनी लाइफ में जो कार्ड है कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं तैयार है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिमाग में, कहीं ना कहीं पर्सन के मन में कुछ ऐसा रह गया है पास्ट में इनका। इनको ऐसा महसूस होता है कि पास्ट में इनका कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है पास्ट में इनसे, कोई लॉस हुआ है पास्ट में इनको, या पास्ट में कुछ ऐसा है जो इनका रह गया है और चीज़ अभी भी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, जिसको उन्हें पूरा करना है। कहीं ना कहीं पल पल इनको एक एहसास हो रहा है इस वक्त के पास्ट में कुछ तो अधूरा है इनका, कुछ तो इनसे छूट गया है, उसे छूटने नहीं देना है, उस चीज़ को उन्हें पूरा करना है। पास्ट में बहुत ज़्यादा शायद सोच रहे थे आपके पर्सन कल पूरी रात, शायद पास्ट में ही उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, पास्ट की गलतियों को बहुत ज़्यादा शायद ये कल रात सोच रहे थे कि पास्ट में क्या क्या गलतियाँ हुई, किसकी गलती थी, क्या गलती थी, इनसे क्या मिस्टेक हुई, क्या चीज़ इनसे नहीं होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत ज़्यादा शायद कल रात चल रही थी। सो टेम्परेंस मेजर अरकाना से द वर्ड सन। ओके सो बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है मुझे इनकी एनर्जीज नज़र आ रही थी कल रात, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने डीपली थिंकिंग करी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है, बहुत ज़्यादा ही जो है सोच विचार करा है, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद पास्ट में इनसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है आपके पर्सन से जिससे आपको हर्ट हुआ है, या फिर उनको ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त में कि कुछ हो गया है उनसे ऐसा पास्ट में जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, या तो पास्ट में उन्होंने आपसे कभी कोई रूड बिहेवियर किया है, या फिर आपको हर्ट किया है, या फिर अगर कोई भी रूड बिहेवियर नहीं किया है, कोई भी मिसबिहेव नहीं किया है, तो शायद आपको इग्नोर करा है, आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आपके पर्सन की तरफ से कि पर्सन तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये शायद मेरे साथ में जो है रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में कभी आपसे कोई झूठ बोला है, या फिर कुछ तो ऐसा है, मुझे कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कल रात बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे कि मुझसे पास्ट में कोई मिस्टेक हुई है, बहुत ज़्यादा इनको गिल्ट की एनर्जीज आ रही थी, कुछ ना कुछ इनसे ऐसा हुआ है पास्ट में जो ये पूरी रात एक पश्चाताप सा करते रहे कि मुझसे वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। ओके सो द लवर्स की एनर्जीज कार्ड अपने आप से मेरे पास में आया है, द लवर्स की एनर्जीज है मेजर अरकाना से, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कल रात ही आपके लिए फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे आप इनके बिल्कुल पास में हैं, बिल्कुल करीब हैं, कोई नो कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप लोग दूर हो, आप लोग तो दूर हो ही नहीं, आप लोग तो बिल्कुल पास हो एक दूसरे के, और कुछ दिन बाद और करीब आ जाओगे, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज को है ये आपके पर्सन फील कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप
जैसे मान लीजिए शायद आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे आपको, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा ये सोच रहे थे, या फिर आपको ड्रीम में विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि आप इनके बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप इनके पास हैं, इनके साथ हैं, अपने पास्ट के दिनों को याद कर रहे थे जब भी आप इनके साथ हुआ करते थे, या फिर आपको किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा इन्होंने कल रात मैनिफेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा ही शायद आपको भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा कल रात, अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर एनर्जीज पे, कि आपको अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा आपका बार बार या तो ध्यान जा रहा होगा, या फिर कोई एंजल नंबर रिपीटेड वे में आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा, या फिर कोई ऐसा साइन आपको बार बार महसूस हो रहा होगा अंदर से, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है महसूस हो रहा हो कि कोई आपको बहुत ज़्यादा अपने मन से अपने पूरे दिल से याद कर रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको बुला रहा है अपने पास में, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है पश्चाताप में है। बट आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ मैं देख पा रही हूँ, एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल में करके रखा हुआ है, क्योंकि एट ऑफ सोर्ट्स का एक कार्ड है, कहीं ना कहीं माइनर अरकाना का एक कार्ड मुझे यही बता रहा है कि इंसान ने अपनी सारी फीलिंग्स को, अपनी सारी इच्छा को, अपनी सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने आप से ही दबा कर रख लिया है। इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को जो है दबा दिया है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, यानी कि लवर्स की एनर्जीज के ऊपर इनकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे एट ऑफ सोर्ट्स की नज़र आ रही है, जो इन्होंने उसके ऊपर एनर्जीज अपनी कर रखी है कि मैं नहीं अपनी फीलिंग्स को उस वक्त एक्सप्रेस करूँगा, या फिर नहीं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगी, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को ये कंट्रोल कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की तो मुझे एनर्जीज मिल रही है कि वो अपनी फीलिंग्स को कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट कुछ लोगों की जो एनर्जीज मिल रही है वो शायद ईगो एनर्जीज भी हो सकती है, कि आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर शर्मिंदा है, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, फिर वो शायद ये सोचते हैं कि अपनी लाइफ में अब वो आपको और परेशान नहीं करना चाहते हैं, पास्ट में ऑलरेडी शायद उनकी वजह से आप हर्ट हुए हो या फिर परेशान हुए हो। बट आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ईगो वाली भी मुझे नज़र आ रही है, कि आपके पर्सन शायद ईगो में है, या किसी बात का बुरा मान के बैठ गए हैं, या फिर किसी बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल से लगाकर बैठे हुए हैं, या फिर ईगो एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि अब वो आपको कैसे कांटेक्ट करें, या फिर किस कैसे आपको फेस करेंगे, क्योंकि पास्ट में इतना कुछ आपके साथ में अगर उन्होंने हर्ट किया है, या फिर आपसे आपको इग्नोर किया है, सामने से आपको अगर कभी ऐसा बोला है कि आपके साथ में अभी रिलेशन को जो है नहीं रखना चाहते, आपसे मूव ऑन हो गए, आपके सामने ही अगर थर्ड पार्टी का उन्होंने जो है फेवर किया है, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ ही मूव ऑन हो गए थे, और वहाँ से भी अब अगर इनको हार्ट ब्रोकन एनर्जीज मिल रही है, या फिर इनका ट्रस्ट टूट गया है थर्ड पर्सन की तरफ से, अब इनको कोई उम्मीद नहीं रह गई है थर्ड पर्सन की तरफ से, टोटली मैं देख रही हूँ यहाँ पे डिससेटिस्फाई है, तब आपके पास में इन्हें कमबैक होना पड़ रहा है, आपके पास में कमबैक होना चाहते तो हैं, बट अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जिस इंसान के साथ में, जिस पर्सन के साथ में मैंने इतना कुछ किया है, कि अब उनकी लाइफ में इन्हें कमबैक होना चाहिए। सो आप में से कुछ लोग के पर्सन बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो फ्यू मोर एनर्जीज दूंगी मैं। सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि आपके पर्सन ने कल रात बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन को महसूस किया, एक अधूरेपन को महसूस किया, एक खालीपन को अपने अंदर महसूस किया है, कि शायद बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेले हैं, अलोन हैं। अगर इनके पास में कोई परेशानी है, या कोई प्रॉब्लम है, या कि कुछ ऐसी सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं जिससे ये इनका अंदर से मन हो रहा है कि अपने किसी पर्सन से, अपने किसी करीबे से अपनी फीलिंग्स को जो है शेयर करें, अपनी समस्या को बताएं, अपनी प्रॉब्लम को बताएं, या फिर कोई भी अगर इनके पास में कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, या फिर कोई भी इशू नहीं है, इसी बात की अगर इनको बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ टेंशन है कि इनका जो रिलेशन है आपके साथ में वो उस वक्त डिस्टर्ब पोजिशन पर चल रहा है, वो कब तक ठीक होगा, तो इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, बट आप में से कई लोगों के पर्सन की एनर्जीज मुझे आउट ऑफ सोर्स की मिल रही है, कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हद तक दबा रहे हैं, या फिर साइलेंस मोड पर उन्होंने अपने आपको कर दिया है, जिससे आपको कोई कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि आपके पर्सन इतना कुछ फील कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ उन्हें पछतावा हो रहा है अपने पास्ट के बिहेवियर को लेकर। सो फ्यू मोर एनर्जीज। सो अवेटिंग रिजल्ट्स की एनर्जीज।
आपके पर्सन जो है किसी चीज़ का इंतज़ार भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके पर्सन जो है, मुझे आप में से कई लोग जो पर्सन है वो इस वक्त ऐसी एनर्जी से नज़र आ रहे हैं कि आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट वो नहीं कांटेक्ट कर रहे, क्योंकि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है इनके मन में जो ये सोच रहे हैं जब वो समय आएगा तभी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। फ्यू मोर एनर्जीज को मैं लूँगी इस एनर्जीज को क्लैरिफाई करने के लिए। किस चीज़ का इंतज़ार है इनके मन में? ओके, सो जहाँ तक मैं एनर्जीज देख रही हूँ गाइस, आपके जो पर्सन है ना, आप में से कई लोग के पर्सन की एनर्जीज है, उन्हें कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो ट्रस्ट है, जो बिलीफ है थर्ड पर्सन के ऊपर, अगर उन्होंने किया था तो मुझे वो उनकी तरफ से टूटा हुआ नजर आ रहा है। बट इस वक्त आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, कमबैक तो होना चाहते हैं, कमिंग टुगेदर की एनर्जीज है। ये जो एनर्जीज आ रही है ना मेरे पास में, कमिंग टुगेदर, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एनर्जीज है इन पर्सन की, कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ में दोबारा से एक रिलेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ में सक्सेसफुल भी होंगे, टेक द लीड की एनर्जीज है, बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपके पर्सन को सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी अपने रिलेशन में। बट कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, वो आपकी लाइफ में परमानेंटली कमबैक होना चाहते हैं। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आपके कई लोगों के पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, या फिर वो थर्ड पर्सन में है, या किसी कंट्रोल में है, या फिर अपने करियर के ही बर्डन में है, किसी ऐसी चीज़ में है जिससे पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कमबैक हो पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वो एक उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपकी लाइफ में पूरी तरीके से कमबैक होंगे, ताकि अब की बार जब भी वो आपकी लाइफ में कमबैक हो तो पूरी तरीके से कमबैक हो, कोई भी ऑन ऑफ सिचुएशन ना हो। और जब भी आप उनसे किसी कमिटमेंट को आप उनसे चाहें, या फिर आप कोई उनसे कमिटमेंट चाहें, या फिर कोई उनसे प्रॉमिस पूरा चाहें, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को जो है वो ट्रूली कम्प्लीट कर सके। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग के जो पर्सन है अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी लाइफ में कम्प्लीटली वापस आ सकें, ताकि वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से जो है हमेशा हमेशा के लिए वापस आ सकें। ओके, सो ये प्रॉमिस की एनर्जीज है। आपको जो पर्सन है ना, बार बार मुझे उनकी जो एनर्जीज मिल रही है वो प्रॉमिस की एनर्जीज मिल रही है। कोई प्रॉमिस है, कोई वादा है जो इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा, कोई प्रॉमिस किया है, कोई कसम खाई है, या कुछ ऐसा किया है आप लोगों ने मिलकर, एक ड्रीम देखा है जिसको इन्हें पूरा नहीं इन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं कल रात मैं देख रही हूँ उसी प्रॉमिस के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है कि मैंने किसी से कोई वादा किया था और उसे मैंने पूरा नहीं किया है, मुझे उसे पूरा करना ही होगा। सो ऐसी एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की मिल रही है कल रात के लिए। सो आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग हैव रेजोनेट की हो। टिल द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।